आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। कल महासभा में कमिश्नर के खिलाफ जो अदम एतमाद लाया गया था, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बरसरे इक्तदार जमातें कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी और चार मुत्तहिदा महाज के जो कॉरपोरेटर्स हैं उनकी यादी पर कल का अदम एतमाद जो है कमिश्नर पर लाया गया था। उस अदम एतमाद में बरसरे इक्तदार शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। 8 नुकाती इल्ज़ामात पर मुश्तमल यादी थी। उसमें कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि बायो माइनिंग के जो ठेके में है, जो ठेका है, उसको कमिश्नर ने जो है गैर कानूनी तौर से ऑपरेट किया है। उसके साथ साथ कमिश्नर की मुसलसल गैर हाजिरी पर भी सवाल उठाया गया था, और साथ ही साथ उसमें एक सवाल या एक नुक्ता या एक इल्ज़ाम ये भी डाला गया था कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो है मालेगांव शहर में प्राइवेट स्लॉटर हाउस यानी खासगी मजबा खाने, इन जहां पर जानवरों को ज़ुबा किया जाता है, प्राइवेट ज़ुबा खानों की परमिशन कमिश्नर साहब जो है जनरल बोर्ड को इत्तला ना करते हुए मंजूरी दे रहे हैं। और इसके साथ जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि आउटसोर्सिंग का जो ठेका दिया गया है, लेबर का जो ठेका दिया गया है, 125 करोड़ के करीब ये ठेका है, और ये जो ठेका है इसमें जो है गड़बड़ी की गई है कमिश्नर की जानिब से। ये तमाम इल्ज़ाम जो है बरसरे इक्तदार कांग्रेस शिवसेना और बीजेपी की जानिब से कमिश्नर पर लगाया गया था। और ये अदम एतमाद की यादी में भी ये तमाम नुकात दिए गए। और आज से 6 महीना पहले जो है प्रधान सचिव के पास भी आज की मेयर मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा ने एक कंप्लेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के प्रधान सचिव को मेयर मोहतरमा ने दी। यही 8 नुकात जिन पर आज अदम एतमाद लाया गया है, जिन इल्ज़ामात पर अदम एतमाद लाया गया है, यही 8 पॉइंट को मेयर मोहतरमा ने जो के DMA ऑफिस में दिया था आज से 6 महीना पहले। और आज से 2 महीना पहले उन्हीं इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए मेयर मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा, जो एक ज़िम्मेदार ओहदे पर है, जो मेयर के ओहदे पर है और मेयर के ओहदे पर रहते हुए उन्होंने इल्ज़ामात भी कमिश्नर पर लगाए थे, और उसके 2 महीने के बाद उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद भी की थी कि कमिश्नर जो काम कर रहे हैं वो कानूनी है और उसकी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं और पूरी जनरल बॉडी को है एतमाद में लेकर कर रहे हैं। हमने जो कंप्लेंट दिए है उस पर हुकूमत जो है किसी तरीके की कार्रवाई कमिश्नर पर ना करे, और हमने जो कंप्लेंट दी है उस पर हमारा पूरा जो है मुकम्मल एतमाद और यकीन हो चुका है, इसलिए इस कंप्लेंट को आगे ना बढ़ाते हुए हमारी तकरार को खारिज कर दिया जाए। 6 महीना पहले कमिश्नर के खिलाफ में लेटर, उसके दो महीने बाद वापस कमिश्नर की हिमायत में लेटर, फिर उसके बाद अदम एतमाद, और उसके इन 6 महीनों के दरमियान में अदम एतमाद और यादी देने के दरमियान में तकरीबन जितने ठेकों का उन्होंने अपने कंप्लेंट में जिक्र किया वो तमाम ठेके निकल गए, और वो तमाम ठेकों का वर्क ऑर्डर हो गया, आउटसोर्सिंग का वर्क ऑर्डर हो गया, तुम्हारा बोलते घरपट्टी के सर्वे का वर्क ऑर्डर हो गया, तो बायो माइनिंग का वर्क ऑर्डर हो गया और दीगर कई कामों के वर्क ऑर्डर हो गए, ठेके दिए गए। और जब ये सब तमाम चीज़ें निकल गई उसके बाद कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद लाकर जो है अपने सर की जो है ये करप्शन जो इन्होंने इन ठेके के ज़रिए कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के मेम्बरों ने किए, ये बदनामी से बचने के लिए कमिश्नर पर अदम एतमाद लाकर अपनी बदनामी का ठिकरा दूसरे के सर पर फोड़ने का काम था। इसलिए हम कल के अविश्वास पर हमारा जो है यकीन नहीं बन रहा था, लेकिन गांव के आगे राव की नहीं चलती है, तमामतर गांव में एक मिजाज था कमिश्नर की चोरी का, हमें गांव के साथ रहना पड़ा। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि कमिश्नर की इस चोरी में सत्ताधारी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना ये और इनके लीडर्स सब जो है इस सत्य जो है करप्शन में भागीदार है।
बिना किसी वेद जाहिर किए हुए महागठबंधन के तमाम लोगों ने भी कमिश्नर के खिलाफ नोट किया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है वो इस गठबंधन के और हमारे लीडर हैं, और हमें लीडर के हुक्मों को जो अहकाम है उसको फॉलो करना होता है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के निदर्शन में जो बात लाई गई कि ये करप्शन ऐसा इस तरीके का हुआ है और इसमें कमिश्नर मुलव्वज़ है, और हमने भी ये बात रखी कि कमिश्नर के साथ साथ जो है मुफ्ती साहब इसमें सत्ताधारी पक्ष भी मुलव्वज़ है। हमें ये करना चाहिए कि हमें पहले सत्ताधारी पक्ष से ये गुजारिश करना चाहिए कि आप वो ठेकों को रद्द करो, उसके बाद हम अदम एतमाद में आपके साथ रहेंगे। लेकिन किसी वजूहात के बिना पर एक राय कायम नहीं हो सकी, इसलिए हमने हमारे स्टैंड को पीछे लेते हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की बात पर अमल करते हुए इस अदम एतमाद की तहरीक में जो है कांग्रेस की जानिब से लाई गई थी, फिर भी हमने उसकी हिमायत की। आगे इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? आगे मेरी कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से इस ताल्लुक से बात हुई। हम तमाम ठेकों के जिसमें करप्शन किया गया है, बदउनवानी की गई है, ये तमाम ठेकों के कागजात जमा करके और उसको हम नगर विकास मंत्रालय में जो है इस ठेके को ले जाकर हम जो है स्टैंडिंग कमेटी की और जनरल बोर्ड में जिस यानी गैर कानूनी तरीके से इसको मंजूर किया गया है और इसमें करप्शन किया गया है, हम नगर विकास मंत्रालय के सामने इस बात को रखेंगे, और नगर विकास मंत्रालय अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये तमाम तर ठेकों को बुनियाद बनाकर हम कोर्ट में जाएंगे, और अगर इस तरीके के पहले कोई मुद्दे कोर्ट में जो है समाप्त में होंगे या कोर्ट में पिटीशन दाखिल होगी तो ऐसी पिटीशन में हम इंटरवीन भी होंगे ताकि तोड़ी का कोई मामला कोई इससे तोड़ीबाजी ना कर सके, कोई सियासी तोड़ी माली तोड़ी ना कर सके। इसलिए अगर इस तरीके के कोई पिटीशन दाखिल होगी तो हम उसमें इंटरवीन भी होंगे।